देखिए जरा, लेट अस कंटिन्यू आवर चैप्टर 9 12th क्लास। चैप्टर का नाम रे ऑप्टिक्स। सामने जान प्लीज मैडम। रे ऑप्टिक्स में आज का टॉपिक वी हैव टू कंटिन्यू इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा अबाउट अ प्रिज्म, नाउ टॉक अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या होता है देखें जरा, लेट देयर इज अ प्रिज्म लाइक दिस, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट लाइक दिस, जैसे ही लाइट प्रिज्म में एंटर करेगी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, एज वेल एज लाइट को क्या किस इधर जाना चाहिए था, बट जैसे ही प्रिज्म में एंटर करेगी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल एज वेल एज स्प्लिट इन हाउ मेनी कलर्स, 7 कलर्स लाइक दिस। फर्दर व्हेन कम्स आउट ऑफ द प्रिज्म, यहां रख देते हैं स्क्रीन, इट फर्दर अगेन बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल नाउ, और इस तरह से यहां कहीं आके लाइट स्क्रीन पे इंसिडेंट हो जाएगी लाइक दिस। सबसे नीचे कौन सा कलर आएगा, वायलेट, देन इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। This is the angle of deviation for red color. Angle of deviation for yellow color. And angle of deviation for violet color. सबसे ज्यादा deviation किसका है? Violet सबसे ज्यादा। पहले all colors are going in this direction, but finally वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट हो गया, रेड सबसे ज्यादा सबसे कम। वाय उसका रीजन क्या है समझते हैं जरा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू ए इनटू म्यू माइनस वन। अच्छा इन्फॉर्मेशन जो साथ साथ कॉपी कर रहे होंगे उन्हें दो बार क्लास के बाद मेरे सामने ब्लैंक शीट पर लिख के दिखाना पड़ेगा, तब भेजूंगा, नहीं तो यही बैठा दूंगा, जो साथ साथ नोट डाउन कर रहे होंगे। सो प्लीज पुट डाउन योर पेन, लीव एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रीदिंग, ठीक है। डेविएशन इक्वल टू ए इनटू म्यू माइनस वन, एंड देयर इज अ फॉर्मूला नोन एज अकॉर्डिंग टू Cauchy's dispersion formula, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये एक सीरीज होती है बट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका कंक्लूजन हमें बस यूज करना है। अकॉर्डिंग टू Cauchy's dispersion formula, mu is inversely proportional to lambda means wavelength. As wavelength of red color सबसे ज्यादा या कम, सबसे ज्यादा violet का wavelength सबसे कम या ज्यादा, दूसरे से पूछ के बता रहे हैं। हो गया डिस्कशन,
रेवती मैडम बताओ इज इट करेक्ट? अच्छा दिस इज करेक्ट, ओके ग्रेट। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्स इफेक्ट है कम होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड सबसे कम क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। एंड ये तो सबके लिए सेम है एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी कम, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा। So angle of deviation for red color is minimum and violet का deviation is maximum in the seven colors. Seven colors में white light में red का deviation सबसे कम है, violet का deviation सबसे ज्यादा। उसका mathematical explanation हमें पता होना चाहिए, वो ना पूछ के ये पूछ लेंगे, हमें ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट, दिस फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेवन कलर्स, ये क्या है? व्हाइट लाइट सेवन कलर में स्प्लिट हो गई, दिस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेवन कलर्स व्हेन पासेस थ्रू अ प्रिज्म, व्हेन पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट कितने एंगल पे स्प्लिट हो गई, कितने एंगल पे एक्सपेंड हो गई है, कितने एंगल पे स्प्रेड कर गई है, दिस एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन। Angular dispersion is what? The angle through which light spreads. इतने एंगल पे लाइट स्प्रेड हो गई है, कैसे निकालें ये एंगल? रेड में से वॉयलेट को माइनस कर दें, वॉयलेट क्या कह रहे हो, वॉयलेट में से रेड को माइनस, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड, वॉयलेट के डेविएशन में से रेड के डेविएशन को माइनस करेंगे तो आएगा विच इज फर्दर इक्वल टू ए इनटू म्यू वी माइनस म्यू आर। डेल्टा वॉयलेट क्या होगा, ए इनटू म्यू वॉयलेट माइनस वन, डेल्टा रेड ए इनटू म्यू रेड माइनस वन, माइनस करेंगे तो वन कट जाएगा, बचेगा ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। अक्सर हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज 1.5, दैट मींस दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर व्हाइट लाइट। उसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होता है। हमने क्वेश्चन भी करा था TIR में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर रेड कलर इज 1.39, फॉर ग्रीन 1.44, फॉर वायलेट, फॉर ब्लू 1.47। वैसे मटेरियल वही है बट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी कलर्स के लिए डिफरेंट होगा। जो गिवन है वो व्हाइट लाइट की बात हो रही है, होप यू गॉट। This is known as angular dispersion. And what is angle of deviation for white light? For white light, angle of deviation क्या होगा जी, कैसे निकालें? For white light, angle of deviation is a into mu minus 1. But यहां से कैसे निकालें? जितने भी है सबका mean, सभी deviations का average should be for the deviation for the white light. सबका mean निकालेंगे तो वो डेविएशन उतना ही आएगा जितना येलो का डेविएशन आए। सो दिस कैन बी रिटन एज ए इंटू म्यू येलो माइनस वन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, वेवलेंथ हो, डेविएशन हो, सबका मीन व्हाइट लाइट एंड येलो लाइट तीनों के लिए वैल्यू विल बी सेम। होप यू गॉट।
So refractive index of white light means refractive index for yellow light are same. सबका mean average भी वही आएगा. Deviation, refractive index same आएंगे. ध्यान रहेगा. So angle of deviation for white light का मतलब है angle of deviation for yellow light. एक ही बात है. Next term is dispersive power को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे. इट इज थीटा बाय डेल्टा बाय रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ डेविएशन फॉर व्हाइट लाइट और येलो लाइट और ग्रीन लाइट. पुट कर देंगे इसमें थीटा में ए है, इसमें भी ए है. डिवाइड करेंगे तो कैंसल करेगा म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू येलो माइनस वन इज द डिस्पर्सिव पावर. व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय एंगुलर एंगल ऑफ डेविएशन फॉर व्हाइट लाइट और येलो लाइट. डिस्पर्सिव पावर का मतलब है कोई भी प्रिज्म लाइट को कितना ज्यादा डिस्पर्स करेगी, कितना कम डिस्पर्स करेगी. एबिलिटी टू डिस्पर्स, एबिलिटी टू स्प्रेड. होप यू गॉट. सो इसी पे बेस्ड हमारा मॉड्यूल 2 का कवर पेज भी ऐसा ही शायद आपने देखा होगा. वही व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है या 7 में स्प्लिट हो गई या और ज्यादा स्प्लिट होती जा रही है, फैल गई है. जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं सर, थोड़ी बहुत तो बनती है. आपको फोटो भी लगाना है? लगी है, वो लगा देंगे. फोटो लगाना है ना, तुक्के से भी फर्स्ट आ जाते हैं. जितना ज्यादा स्प्लिट होगी, जितना ज्यादा एंगल पे डिस्पर्स होगी, स्प्रेड करेगी, उसके डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होगी. कम स्प्रेड करेगी तो डिस्पर्सिव पावर कम होगी. ओके, व्हाट एंगुलर डिस्पर्सन रिलेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्सन एंड देन डिस्पर्सिव पावर. डू कंप्लीट फास्ट. फिर इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस करेंगे.